स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी ये सर्कल टॉपिक का जो सर्कल चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, आपको डायग्राम दिया हुआ कि ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी सर्कल पे थ्री पॉइंट्स है और इसका सेंटर क्या है, पॉइंट ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी है 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। जो एंगल बी ओ सी, ए एंगल 30 डिग्री है और एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री। और आपका इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, यानी आर्क ए बी सी को छोड़ के, इस आर्क को छोड़ के, इसको छोड़ के अदर जो आर्क, अदर आर्क है, कौन सी आर्क, ये वाली आर्क, इस आर्क पे कहता है कोई पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। ओके, तो कहता है फाइंड द एंगल ए डी सी, इस एंगल को फाइंड आउट करना, एंगल ए डी सी इसको फाइंड आउट करना है। ये तो सिंपल है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इस आर्क के लिए, देखो ए आर्क ए सी, ए बी सी, इस आर्क के लिए ए आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल ए को ओ से और सी को ओ से ज्वाइन कर दो, तो आर्क ए बी सी, ए आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आ गया, ये आ गया 60 प्लस 30 कितना हो गया आपको 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए आर्क सेंटर पे बना रहा है। आप जानते थ्योरम आपने पढ़ा होगा 9.8 थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बना है वो एंगल रिमेनिंग सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, इन इस आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट पे अगर कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल से सेंटर का एंगल डबल होगा। ओके, अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ क्या होगा 2x, जितना यहाँ होगा इसका डबल होगा, ये 90 है तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा 45 होगा, 45 डिग्री का डबल करेंगे तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ए एंगल फाइंड आउट, ए एंगल कितना होगा आपको 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री। अब इसी को बाय प्रॉपर ढंग से हम लिख लेंगे। ओके, थ्योरम 9.8 का यूज किया है। इस सेंटर का जो एंगल होता है कोई भी आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाता है वो एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल से डबल होगा। अगर ये x है तो यहाँ एंगल कितना होगा 2x बनेगा। ठीक है, एंगल ए ओ सी कितना 2x हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना है 90, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/2 कितना आएगा बच्चे 45, तो x का वैल्यू 45 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, एंगल ए डी सी 45 डिग्री। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, भाई प्रॉपर लिख लेते हैं हम लोग। देखो सिंस एंगल ए ओ सी फाइंड आउट करते हैं, ए वाली एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी दिया हुआ आपको 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी आपको 30 डिग्री, देखो 60 30 डिग्री, 90 डिग्री हो गया कौन, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। बट ये जो आर्क ए बी सी सेंटर पे एंगल ए बना रहा है और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो पॉइंट डी है उस पॉइंट पे ये एंगल बना रहा है, तो ए जो एंगल होगा इस एंगल से डबल होगा, है ना। वे लिखेंगे फोर आर्क ए बी सी, फोर आर्क ए बी सी एंगल ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा कि एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए वाले एंगल, एंगल ए ओ सी जो होगा एंगल ए डी सी इस एंगल से डबल होगा, लिख दिया डबल। ओके, दिस इंप्लाई दैट, लिखना चल लिख तो बाय कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम है 9.8। ओके, याद है तो यूज कर लो या तो स्टेटमेंट लिख दो। ओके, तो एंगल ए ओ सी आपको कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 2 times ऑफ एंगल ए डी सी, 2 को लेफ्ट साइड ले आओ डिवाइड हो जाएगा 90/2 इक्वल टू एंगल ए डी सी। देयरफॉर
एंगल ए डी सी इक्वल हो गया, 2 से डिवाइड करो 45 आएगा, इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर हो गया। एंगल ए डी सी कितना है, 45 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल ये 90 हो गया और ये आपका कितना होगा, 45 हो जाएगा। 45 का ही क्या है, डबल है, या सेंटर पे जो एंगल होगा उसका हाफ होगा, कौन सा एंगल, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा, हाफ बनेगा सेंटर से। ओके तो फर्स्ट हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या कर रहा है, कहता ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के इक्वल है कॉर्ड का लेंथ, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है और मेजर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है, दोनों फाइंड आउट करना है। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके जैसे कर रहा है, एक कॉर्ड है, ये सेंटर ये है, ये मान लो सेंटर वो है। ओके अब ओके इस सपोज करो एक कॉर्ड है ई वी कॉर्ड है और रेडियस क्या है, रेडियस है ए ओ, सेंटर को एस ज्वाइन करो रेडियस हो गया और सेंटर को बीस ज्वाइन करो ई वी क्या हो गया, रेडियस हो गया। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कॉर्ड है रेडियस इक्वल है, यानी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द रेडियस, यानी गिवन है, और ये कॉर्ड है ए बी तो गिवन है कि ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, इक्वल टू क्या रेडियस हो गया ना, रेडियस ऑफ सर्कल है ये, रेडियस ए बी रेडियस ये कॉर्ड है, कहते कॉर्ड जो रेडियस इक्वल है। अब देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है ना, गिवन कि कॉर्ड किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है। ओके तो आपको यानी इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी ये तीनों क्या इक्वल है, ए बी ओ ए ओ बी इक्वल है लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ क्या है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल लेट कर लेंगे यहाँ ऊपर में, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्या है सेंटर है, ओके अब ये अब जानते हैं किसी ट्रेंगल में अगर थ्री साइड्स इक्वल है तो वो कौन सा ट्रेंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इसका मतलब ट्रेंगल ए ओ बी क्या है, देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल है। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, एंड ए एंगल भी 60 डिग्री होगा, ए एंगल भी 60 होगा और ए एंगल भी 60 डिग्री होगा, इच एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल एंगल में, देन ए एंगल आपको 60 डिग्री हो गया, कितना डिग्री 60 डिग्री। ओके तो मुझे ये पता लगाना था ए बी जो कॉर्ड है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये पता चल गया सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री है, यानी कि सिंस लिखेंगे सिंस each angle of an equilateral triangle is 60 degree, each angle कितना होता है 60 degree, therefore angle AOB कितना हो जाएगा 60 degree, angle AOB हो गया 60 degree, okay? अब देखो बच्चे, यानी ये पता चल गया कि अगर कॉर्ड ए बी
सेंटर भी कितना एंगल बना रहा है, ए यानी कॉर्ड मतलब ए आर्क, ये माइनर आर्क है नीचे वाला, ये माइनर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ओके, अब हम जान रहे हैं ये माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनाएगा। मान लो कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे इसको को नाम देते हैं पॉइंट सी दे देते हैं, यानी या हम जानना चाहते हैं ए बी कॉर्ड ए बी सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यही कॉर्ड सी पी कितना एंगल बनाएगा, ज्वाइन कर दो। यानी ए बी कॉर्ड ए बी पॉइंट सी पे एंगल बना रहा है, ए एंगल ए वाली एंगल, ये एंगल कितना है ए सी बी। ओके, अब सिंपल सी बात है, सेंटर पर अगर 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इस एंगल से सेंटर का एंगल क्या होता है डबल होता है। अगर ये 60 है तो सी पे कितना एंगल बनाएगा आपको 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, तो पॉइंट सी पे हो गया कितना एंगल, चलो मैं अभी फाइंड आउट कर लेंगे बाय प्रॉपर। ओके, ये तो हो गया क्या कि अगर एक कॉर्ड ए बी, ए बी बोलें या माइनर आर्क ए बी बोलें दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी इज मेजर आर्क पे अगर पॉइंट सी है तो एंगल कितना बनाएगा, एंगल ए सी बी, ए एंगल, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइए फिर देखिए बच्चे, अब देखो यहाँ पे देखते आर्क ए, एक कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी यानी ये कॉर्ड ए बी है तो माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाएगा, मान लो माइनर आर्क पे पॉइंट मान लो यहाँ पे डी है, कोई पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी पे कितना एंगल बनाएगा, ए को डी से और बी को डी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, तब जहाँ तक पॉइंट डी पे कितना एंगल बनाएगा यानी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा वो फाइंड आउट करनी है, यानी कर कि माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाएगा और मेजर आर्क पे कितना बनाएगा। तो मेजर आर्क पे पॉइंट सी है ये एंगल, और माइनर आर्क पे पॉइंट क्या है एंगल डी है ये वाली एंगल, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डाइट कर लेते हैं हम लोग, देखो कैसे पहले ऐसा करते हैं माइनर आर्क पे एंगल बना लेते, मेजर आर्क पे कितना एंगल बना रहे वो फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं। चूँकि देखो ए डी बी सी साइक्लिक है, जो चारों पॉइंट सर्कल पे लाइक कर रहा है तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो क्या अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 180। अगर एंगल सी हम फाइंड आउट कर लें, अगर एंगल सी 30 डिग्री होगा तो यहाँ 30 पुट कर दो, एंगल डी इक्वल टू 180, अब एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो इसका मतलब क्या ए वाली एंगल कितना बन जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, कि माइनर आर्क पे एंगल जो बनाएगा ये कॉर्ड ए बी कितना 150 डिग्री। ओके, इसी को प्रॉपर ढंग से हम लिख लेते हैं, हम लोग कुछ समझ में आएगा कैसे कैसे करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एट फर्स्ट कि कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी मीन्स एट फर्स्ट हम लोग एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो कॉर्ड ए बी देखते सी पे कितना एंगल बना रहा है, तो कॉर्ड ए बी मीन्स हो गया आर्क, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड कि आर्क ए बी सी पे कितना एंगल बना रहा है, दोनों एक ही चीज़ होगा, कॉर्ड ए बी सी पे कितना बना रहा है या ए आर्क ए बी इस सी पे कितना एंगल बना रहा है। तो थ्योरम 9.8 हमने पढ़ा हुआ है कि ए जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल कितना बनाएगा, जो सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है इसका आधा बन जाएगा, या इस एंगल से सेंटर पे एंगल डबल होता है ना, तो वो यूज कर लेते हैं हम लोग। 4 ए आर्क का नाम मान देते हैं ए बी डी, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क जो मेजर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है, यानी यह कह सकते हैं कॉर्ड ए बी सी पे कितना एंगल बना रहा है यानी मेजर आर्क पे, ठीक है। ये कर लेते हम लोग,
यानी सी कहाँ पे, मेजर आर्क पे पॉइंट है, सी एट नीचे ले देते हैं, लेट पॉइंट, पॉइंट सी लाइज, सॉरी लेट पॉइंट सी लाइज ऑन मेजर आर्क एंड पॉइंट डी लाइज ऑन माइनर आर्क। ये डी कहाँ पे, माइनर आर्क पे, और सी है मेजर आर्क पे। ओके, तो सी और डी पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल फाइंड आउट करनी है कि ए बी जो है सी पे कितना एंगल बना रहा है और डी पे कितना बना रहा है, तो कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो एंगल सी पे सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, है ना, सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी बाय थ्योरम 9.8। एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, दिस इंप्लाई दैट 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल ए सी बी मीन्स क्या, एंगल सी, एंगल एंगल सी, तो सी पे कितना एंगल बन, जो मेजर आर्क पे पॉइंट सी है वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, यानी दैट इज ले सकते हैं दैट इज एंगल या कॉर्ड, कॉर्ड ए बी कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है कौन, कॉर्ड ए बी। अब आते हैं मेजर आर्क पे कितना बना, माइनर आर्क पे कितना बनाएगा, मेजर आर्क था ये। ओके, अब हम चाहते हैं इस यहाँ पे माइनर आर्क ए एंगल है या ए वाली एंगल है, यहाँ पे एंगल डी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बच्चे सी ए डी बी ए सर्कल पे लाई कर रहा था, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, ए डी बी सी क्या हो गया, ए डी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, लिखेंगे सिंस सिंस पॉइंट्स ए डी बी एंड सी लाइज ऑन ऑन लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इसका मतलब होगा कि ए एंगल, देखो जी इसका मतलब कि एंगल सी और एंगल डी अपोजिट एंगल है, इसका सम कितना 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या, तो 180 होता है। अब हमने एंगल सी तो फाइंड आउट कर चुके हैं, एंगल सी कितना है
30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री लिख दो प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू हो गया कितना 150 डिग्री। इसका मतलब जो कॉर्ड ए बी है, ये जो कॉर्ड ए बी है माइनर माइनर आर्क पे जो पॉइंट डी है वहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पॉइंट एंगल कितना बना रहा है 150 डिग्री एंगल बना रहा है, वही लिख देंगे नीचे। देयरफॉर कॉर्ड, लेकिन देयरफॉर कॉर्ड ए बी सबटेंड्स सबटेंड कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल 150 डिग्री एट पॉइंट या एट एनी पॉइंट ऑन ऑन द माइनर आर्क। ठीक है, ये आंसर हो गया कि माइनर आर्क पे एंगल बना रहा है कॉर्ड 150 डिग्री और मेजर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ओके, ये आ गया, ये आपको आ गया 30 डिग्री, ये यहाँ आ गया 150 डिग्री। ओके, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आते क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है आपको डायग्राम दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, इन ए एंगल कितना है 100 डिग्री है, पी क्यू आर आर द पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी ये पी क्यू आर ये सारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ओके, और ओ क्या है उसका सेंटर है, ओ क्या है सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। द फाइंड एंगल ओ पी आर, ओ पी आर ए वाली एंगल फाइंड आउट करनी, ए वाली एंगल, ठीक बच्चे, ए एंगल फाइंड आउट करनी। तो आप देखो बच्चे ये सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब देखो ये जो आर्क है, ए आर्क आपको है, ए आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ए वाली एंगल बना रहा है, ए वाली एंगल ये, और रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट क्यू है उस पर एंगल कितना 100 बना रहा है, तो इस एंगल से सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो ये 100 है, ये कितना होगा 200 हो जाएगा, सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा 200 डिग्री, ये हो गया 200 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ आर, ये एंगल क्या है पी ओ आर है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। हम जानना चाहें ए एंगल कितना, ए भी तो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर है, तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, अगर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर, आपको रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल पी ओ आर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग, चाहो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे एक सर्कल है, सर्कल है, ओके, इसका सेंटर क्या है, तो ओ है। ओके, अब देखो यहाँ मान लो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे पी आर, अब कह रहे यहाँ पे उसमें बड़ा बना रहा हूँ। ओके, यानी ए आर्क जो है पी आर, जो पी आर आर्क है, ए आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है पी ओ आर। ओके, ओके, और क्या कह रहा है देखो डायग्राम देख लो, ठीक है, एक मिनट,
ऐसे नहीं, पी अर्थ ऊपर है, ठीक है। और सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो पी है, यहाँ पे आर है, ये सेंटर आपका है। ज्वाइन करते हैं हम लोग पी को क्यू से, क्यू से आर को ज्वाइन किया, फिर आपको ओ से पी ज्वाइन करेंगे, ओ को आर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और पी आर को भी ज्वाइन कर देंगे, लाइन सेगमेंट पी आर को। ये आपको इसे डायग्राम बना हुआ देखो, ये डायग्राम आपको बना हुआ देख लो, ये डायग्राम बना हुआ बना लिए, यानी एंगल क्यू दिया हुआ 100 डिग्री है, एंगल क्यू कितना है आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपको कितना है 100 डिग्री है, यानी आपको जो ये आर पी आर है, ये आर पी आर, आर पी आर पॉइंट क्यू पे बना रहा है 100 डिग्री, और ए आर सेंटर पे कितना है, ए एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ए एंगल जो होगा इस एंगल से डबल होगा, ये 100 है, ये एंगल कितना होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटे ये 200 तो ए एंगल कितना होगा, तो पूरा सर्कल क्या होता है 360, तो ये हो जाए आपको 160 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब देखो ओ ओ पी और ओ आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों इक्वल है। अब ट्रेंगल पी ओ आर में देखो, ट्रेंगल पी ओ आर में एंगल पी ओ आर तो 160 है, ओके। अब देखो इसमें ओ पी और ओ आर इक्वल है, यानी ओ पी और ओ आर इक्वल है, तो आप जानते हैं किसी ट्रेंगल में टू साइड्स इक्वल होता है तो उसके अपोजिट, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स होगा, ये एंगल भी क्या होगा एक्स होगा, इक्वल होगा। अब ट्रेंगल पी ओ आर में तीनों एंगल सम 180 डिग्री होगा, तो तीनों एंगल सम करोगे एक्स प्लस 160 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180, इससे एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। ये तो आपको एंगल क्या कहते हैं ओ पी आर फाइंड आउट करना, ओ पी आर एक्स है, एक्स जो एक्स की वैल्यू होगा वही एंगल ओ पी आर फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसे प्रॉपर ढंग से हम फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ओके फाइंड आउट करते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग सिंस ए, आपको देखो अच्छे ए आर्क आपको क्या, ये जो आर्क दिया हुआ ये मेजर आर्क हो, ऊपर वाला क्या है, ऊपर में जो पी क्यू आर आर्क है, आर्क पी क्यू आर, ये क्या माइनर आर्क है, ये बड़ा है ना, देखो ये आर्क क्या है बड़ा है, लार्जर है, ये मेजर आर्क है। तो लिखेंगे सिंस फोर मेजर आर्क पी आर, मेजर आर्क पी आर ए वाला आर्क, इस आर्क की बात कर रहे हैं, इस आर्क के लिए आर्क पी आर, मेजर आर्क पी आर के लिए ए एंगल क्या है, ए एंगल आपको रिफ्लेक्स एंगल है, ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल है सेंटर, यानी पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, सिंस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, ए वाले एंगल सेंटर, ए एंगल से डबल होगा, एंगल कौन सा पी क्यू आर, ए एंगल पी क्यू आर ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर, दिस इंप्लाय दैट रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 × h कितना 100 है, 200 डिग्री आ गया, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल हो गया 200 डिग्री हो गया, यानी ए एंगल आ गया 200 डिग्री आ गया। हम जानना चाहते ए एंगल कितना होगा, तो 160 हो जाएगा, देखो कैसे जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू क्या होता है,
कितना होता है? तो सिंस हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू होता है 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर, ये फॉर्मूला होता है। और रिफ्लेक्स एंगल कितना दिया हुआ है? 200 डिग्री दिया, लिख दो 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ आर किधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओ माइनस हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ आर इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यानी एंगल पी ओ आर इक्वल टू हो गया 160 डिग्री, ये आ गया है। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, कौन सा? ये वाला एंगल। कितना आ गया बच्चे? ये एंगल आ गया आपको 160 डिग्री। ओके, अब आते हैं ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है? ए वाली ट्रेंगल, ट्रेंगल पी ओ आर में, ट्रेंगल पी ओ आर में देखते हैं ओ पी और ओ आर इक्वल है, इसलिए इक्वल साइड का पॉइंट एंगल इक्वल होगा। ओके, लिखें इन नाउ इन ट्रेंगल पी ओ आर, ट्रेंगल पी ओ आर में क्या है? सिंस ओ पी इक्वल टू ओ आर है, अगर ओ पी ओ आर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ओ पी का अपोजिट एंगल क्या है? ए वाला एंगल है ना, ओ आर पी, और ओ आर का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ओ पी आर, दोनों इक्वल है। तो देखेंगे देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, दोनों इक्वल, लेट कर लेते हैं किसके इक्वल है? एक्स इक्वल है, इक्वल टू सी, मान लिए दोनों इक्वल, एक्स इक्वल है। ऐसा क्यों लिख देंगे भाई कि एंगल एंगल्स अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए आर इक्वल। अब ऑलरेडी कंसेप्ट जानते हो, जैसे हमने दोनों इक्वल है दोनों एक्स मान लिया। अब देखो तो नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर में जानते सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, तो एंगल क्या होगा? एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो वही कर दिया, तीनों एंगल का सम कर दिया, यानी ए वाले एंगल, ए वाली एंगल और ए वाली एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। दिस इम्प्लाई दैट तो एंगल कितना एक्स माना, ए भी एक्स है, प्लस ए एंगल कितना आया था? 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक्स प्लस एक्स टू एक्स 160 को राइट साइड ले जाओ, 180 माइनस 160 कितना आ गया? 2x इक्वल टू हो गया 20 डिग्री, देयरफॉर x की वैल्यू आ गया 20 बाई 2 कितना आ गया? 10 डिग्री। x की वैल्यू आ गया बच्चे 10 डिग्री, एक्चुअली x है कौन, किसी लेट किया था x ओ पी आर को, यानी ओ पी आर यही फाइंड आउट करनी है एंगल ओ पी आर, तो यानी सिंस एंगल ओ पी आर इक्वल टू x है, x है कितना? 10 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितना आ गया? 10 डिग्री, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था कि एंगल ओ पी आर फाइंड आउट करिए, कितना एंगल ओ पी आर, यानी ए वाले एंगल आपको फाइंड आउट करनी थी। देखो दोबारा से मैं कर रहा हूँ, ओके, तो ये आपका एंगल है ओ पी आर, ए वाले एंगल, ये कितना आ गया? 10 डिग्री, ये 10 है तो ए भी 10 है, दोनों इक्वल है, तो ये आंसर आ गया 10 डिग्री। कुछ नहीं था, आपको ये एंगल दिया हुआ, देखो ये तो ऐसे बन रहा है, इतना उतना लिख रहा मैंने समझाने के लिए, एक्चुअली ए 100 है तो नेचुरली ए एंगल कितना होगा? 200 हो जाएगा, सेंटर का एंगल ए 200 है तो ए कितना होगा? 160 हो जाएगा,
अब ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल ये एंगल दिया हुआ, ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, एक्स मान लिया, तो एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक्स वैल्यू 10 डिग्री आ गया। ओके बच्चे, ये था एंगल, फाइंड द एंगल ओ पी आर, ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी थी, एंगल कितना आ गया 10 डिग्री। ओके।